हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ट्राइडेंट शेयर होल्डर काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि आज भी स्टॉक ने 5% का लोअर सर्किट लगाया है और हम डेली बेसिस पे अपडेट कर ही रहे हैं। देखिए, मार्केट में गिरावट आ रही है तो ट्राइडेंट में भी जरूर आएगी क्योंकि भर भर के पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो कंसोलिडेटेड एरिया था 50 रुपये से लेके वो 60 रुपये के लेवल के बीच में था। ठीक है, या आप मान के चल सकते हो कि 50 से 55 के बीच में था। कब से लेके फरवरी मार्च बीत गया, अब अप्रैल बीत गया और मई दोस्तों ये तारीख तक आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो 50 रुपये का लेवल तो सबसे इंपॉर्टेंट था ही। ठीक है, मिड में आप 55 मान सकते हो और ऊपर 60 मान सकते हो, ये तीनों लेवल इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा था। हमने पहले भी आपको अपडेट किया था कि स्टॉक में अगर 50 रुपये का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, तो एक बड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बड़ा सा डाउनफॉल नीचे कहाँ तक देखने को मिल सकता है, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा हमारा कंसोलिडेटेड एरिया कहाँ पर देखने को मिल रहा है, 40 रुपये के लेवल के आसपास। तो देखिए, ये 40 रुपये का लेवल जो है ना, ये हमारा एक परेशानी का कारण बन सकता है क्योंकि दोस्तों स्टॉक काफ़ी नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो इन्वेस्टर है उन्होंने बहुत ऊपर से भी पोजीशन बनाई हुई है इसके रिलेटेड। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर स्टॉक यहाँ पर आ जाता है ना तो भी आप लोगों को यहाँ पर परेशान नहीं होना है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से कंपनी ने Q4 के नंबर शो किए, ठीक है, जिस प्रकार से कंपनी डेली बेसिस पे ग्रोथ कर रही है, ठीक है, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, कंपनी का दोस्तों जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जिनकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है और अब तो दोस्तों गवर्नमेंट ने भी PLI स्कीम इनको ला दी है तो इसका भी फायदा मिलेगा। अब देखिए, पूरा मार्केट गिर रहा है, पूरा ग्लोबली मार्केट गिर रहा है, जिसके कारण दोस्तों ट्राइडेंट के ऊपर भी फोकस आ रहा है और प्रेशर आ रहा है। ठीक है, जो सेलर्स है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम 40 रुपये का नीचे तक का टारगेट मान के चल सकते हैं ये वाला। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लेवल था, इंपॉर्टेंट वेरिएंट था, हम बोल के चल सकते हैं 50 रुपये के लेवल के आसपास का। ये देखिए, ये ब्रेक हो चुका है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, जिसके कारण आज स्टॉक में 5% का लोअर सर्किट भी लगा है। ठीक है, तो ये है ट्राइडेंट के ऊपर अपडेट। परेशान आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके रिलेटेड और कुछ चीज़ें भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, प्रॉपर आपकी कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि डेली बेसिस पे ऐसा बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।